लेकिन आखिरकार हमने अपने प्लैनेट को जिंदा कर ही दिया। आज हम साइबरट्रॉन की जमीन पर ना खड़े होते अगर हमारे मौजूदा सिपाहियों और शहीद हुए सिपाहियों ने जी तोड़ मेहनत ना की होती। रैचेट, जिसने पृथ्वी पर रहकर हमारे इंसानी साथियों की देखरेख की, और क्लिफ जंपर, जिसने खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन आज से शुरुआत होगी एक नए युग की। आज हम इज्जत अफजाई करने आए हैं बहादुर बम्बलबी की। शांति कायम रखने के लिए उसने जो लगन दिखाई वो काबिले तारीफ है। वो ना होता तो शायद ये ब्रह्मांड उस वहशी डिसेप्टिकॉन के चंगुल से आजाद ना हुआ होता। मेगाट्रॉन, 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 यूनिक्रॉन। ये कैसे हो सकता है? मैं ऑलस्पा का हिस्सा क्यों नहीं बन सकता? क्या मैं जिंदा हूँ? तुम मर चुके हो, लेकिन तुम ऑलस्पा का हिस्सा इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। डार्क एनर्जॉन, उसने तुम्हें मेरे एंटी स्पार्क से जोड़ रखा है। ऑप्टिमस बस प्राइम ने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप का इस्तेमाल करके आपको पृथ्वी की नींव में कैद कर दिया, तो फिर आप मुझसे बात कैसे कर पा रहे हैं? वो नादान प्राइम सिर्फ मेरे शरीर को ही कैद कर पाया था, लेकिन मेरी एनर्जी तब नींद से जाग गई जब उसे ब्रह्मांड में एक पुरानी जंग का आगाज होने का अंदेशा हुआ था। प्राइमस, इसका मतलब मेरे गुजरने के बाद ऑप्टिमस साइबरट्रॉन में जान डालने में कामयाब हो गया। जो सदियों पहले मैंने शुरू किया था उसे अब खत्म करना है, और मेरे एंटी स्पार्क को जरिया चाहिए। तो मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। सिर्फ मेरा गुलाम बनने के लिए। तुम्हारा शरीर मेरे मंसूबों को पूरा करने वाला सिर्फ एक औजार होगा। हमारे सारे ऑटोबॉट साथियों के सामने और हमारे रचयिता प्राइमस की हाजिरी में, जो इस ग्रह की जीती जागती नींव हैं, और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ने मुझे जो अधिकार दिए हैं उसके तहत बम्बलबी, आज से तुम एक योद्धा हो। बधाई। मुबारक हो योद्धा। बहुत खूब दोस्त, अब तो जश्न मनाना ही पड़ेगा। क्या बात है बम्बलबी, आज योद्धा बने हो, क्या पता कल प्राइम बन जाओ। आराम से स्मोकी, हम में से कोई भी एक प्राइम की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। तुम्हारे जश्न में बाधा डालने के लिए माफी चाहूंगा। ये नहीं रुकेंगे, प्राइम्स जश्न नहीं मनाते। लेकिन मैं तुम सबसे इजाजत चाहता हूँ। सर, मैं पूछ सकता हूँ क्यों? माना कि हमारा प्लैनेट एक बार फिर जिंदा हो गया है, लेकिन साइबरट्रॉन में अब खुद को आबाद करने की ताकत नहीं बची है। मुझे उस वेलस्प्रिंग को ढूंढना है जो साइबरट्रॉन में नई जिंदगियों को जन्म दे सकता है। उसके बिना ये बंजर रहेगा, ऑल स्पार्क के बिना। मतलब वो यहाँ नहीं है? वो यहाँ कभी था ही नहीं स्मोक स्क्रीन, हजारों सालों में कभी नहीं। जब साइबरट्रॉन की जंग चरम सीमा पर पहुंच गई थी और डिसेप्टिकॉन्स की फौज को रोकना मुश्किल होता जा रहा था, तो मैंने मेगाट्रॉन से ऑल स्पार्क को बचाने के लिए उसे चुपचाप किसी दूर दराज के सेक्टर में भिजवा दिया था।
मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की मदद से मैं उसका ठिकाना आसानी से ढूंढ लूंगा। नेक काम में देरी क्यों, वॉरशिप तैयार करते हैं और इसे लेकर आते हैं। वक्त अब भी बड़ा नाजुक है बम्बलबी, हम में से कुछ को साइबरट्रॉन पर ही रहना होगा क्योंकि स्टारस्क्रीम और शॉकवेव अब भी फरार है। सिर्फ वही नहीं, वो खतरनाक प्रेडिकॉन भी। अल्ट्रा मैग्नस यहाँ फरार घूम रहे डिसेप्टिकॉन्स को ढूंढकर पकड़ने के जिम्मेदार